किशनगढ़ बास के पास स्थित दराऊपुर मेवान गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिससे धनपाल, हर्षवर्धन और मोनिका की गंभीर चोट आई। गंभीर चोटिल हुए हर्षवर्धन ने बताया कि उनके पास में ही रहने वाले अशोक पुत्र रामनिवास, मोनू, राजकुमार, ममता, देवी, बंटी, पंकज उर्फ टिंडा ने उनके ताऊ के लड़के धनपाल के ऊपर हमला कर दिया। जबकि वे बीच बचाव के लिए गए थे तो उन्होंने उनके ऊपर भी फर्सी से हमला कर दिया, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आई। साथ ही धनपाल, मोनिका, हर्षवर्धन की गंभीर चोट लगी है, जिसकी लिखित शिकायत खैरथल थाने के SHO भगवान शाह को दे दी गई है। गंभीर घायलों को अलवर के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। कल शाम करीब 5:30 बजे मेरे ताऊ के लड़के धनपाल के घर पर कुछ झगड़े की आवाज आ रही थी, तो मैं झगड़े की आवाज सुनकर उनके घर पे गया तो धनपाल को अशोक कुमार, पुत्र रामनिवास, राजकुमार, ममता देवी, पंकज उर्फ टिंडा और बंटी ने धनपाल को नीचे गिरा रखा था और उसे डंडों से मार रहे थे। तो मैंने उनका बीच बचाव किया तो मेरे भी उन्होंने फर्सी की दी, जिससे मेरा सर फट गया और मैं गिर गया। और उसके बाद मैं बेड पर। क्यों मार रहे थे वो उसको? कौन लोग थे वो? धनपाल के पड़ोसी थे। तीस विवाद तो ले रहे मार रहे थे? उनका पशुओं के ऊपर कोई झगड़ा हो रहा था। कितने लोगों को चोट आई है इसमें? इसमें हमारे 5 लोगों को चोट आई है। ठीक, क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन सिंह। तो बच्चों को भी चोट आई है? नहीं, बच्चे को नहीं, बड़े सब।